मान सरकार दे दो मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। चर्चावां तां इह वी ने कि इस संबंध दे विच मीटिंग करन दे लई मुख्यमंत्री साहब हाईकमान कोल पुज भी चुके ने। सो किहड़े उह दो मंत्री ने जिन्हां की छुट्टी हो सकती है ते किन्ना कारणां करके इन्हां की छुट्टी हो सकती है, गलबात उन्हां कारणां दे उपर वी करांगे। नाल नाल गलबात करांगे आम आदमी पार्टी दे मंत्री दी, जिसनों की हुण हाई कोर्ट दे वल्लों एक नोटिस जारी कर दिता गया है। किहड़ा उह मंत्री है जिसनों हाई कोर्ट दे वल्लों नोटिस जारी किया गया ते किस संदर्भ दे विच इह नोटिस जारी किया गया, नोटिस तो बाद किन्नियां मुश्किलां इस मंत्री दे वधन वालियां ने, गलबात इस दे उपर वी। ते नाल ही नाल गलबात करांगे राघव चड्ढा दी, क्योंकि विशेष अधिकार कमेटी दे वल्लों उन्हां नूं एक नोटिस जारी किया गया, जिस तो बाद इस नोटिस जारी होने तो बाद बीजेपी नूं चैलेंज करते नज़र आए ने राघव चड्ढा। आखिर किस कारण चैलेंज किया गया, कि चैलेंज बीजेपी कबूल करेगी, पूरा मामला की बन रहा है, गलबात उस मामले के उपर भी करांगे। सत श्री अकाल, मैं लखविंदर सिंह मान ते तुसी वेख रहे हो लुकवां सच। इन्हां सारियां खबरों के उपर विस्तार दे नाल चर्चा करन दी मेरे नाल ने डॉक्टर एस पी सिंह। सब तो पहला स्वागत कर लैने आ डॉक्टर साहब, स्वागत है जी प्रोग्राम च। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। मान सरकार दे विच इक कैबिनेट लैके वड्डी चर्चा शुरू हुई है। चर्चा ये जो सूत्रों के हवाले तो खबर पहुँची है भी एक तो मान सरकार दे विच कैबिनेट का विस्थार हो सकता है, तो नाल ही नाल चर्चावां ये भी शुरू हो चुकिया ने कि दो मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है, जिसनों लैके सीएम साहब हाईकमान के नाल गलबात करन दे लई उधरों हरी झंडी लैण दे लई दिल्ली पहुँच चुके ने। किवें देख रहे हो पूरे मामले नूं, कि सचमुच दो मंत्रियों की छुट्टी होने जा रही है? जेकर हाँ तो किहड़े ओ मंत्री हो सकते हैं जिन्हां की हुण छुट्टी हो सकती है, तो किहड़े कारणां करके उन्हां की छुट्टी हो सकती है? देखो स्पष्ट तौर दे उत्ते जे देखिया जाए तो इस वेले भगवंत मान सरकार उहदे मंत्री ते उहनां दे MLA सारयां दे बारे कोई ना कोई जिहड़ी है चर्चावां चलदियां रहिंदियां ने, भावें भ्रिष्टाचार की होवे, भावें वह गंदे संबंधों की हो, भावें उस जरा उन्होंने प्रशासनिक सुस्ती की गल हो, जरा प्रभाव बन रहा वो चुस्त और दुरुस्त मंत्रिमंडल का नहीं प्रभाव बन रहा। भगवंत मान ने शायद महसूस कर लिया कि उन्होंने वक्त आ गया जिस वे अपनी चेहरा जरा ठीक करने के लिए कुछ जड़े ने वो कदम चुकने पैणगे। तुहाडे सामने स्पष्ट तौर उत्ते जरा लाल चंद कट उन्होंने गल जी चलती सी कटारू चक उन्होंने 99 एकड़ जमीन जी है वो जिस ढंग के नाल खुद करके प्राइवेट अदारे में दी गई है वो अपने आप एक बड़ा बड़ा मसला, और जो कट्टर ईमानदार सरकार का दावा करने वाले जो है उन्होंने उत्ते जरा बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है। इवें चौड़ा माजरा जो सन जो हैल्थ मिनिस्टर होंगे सन उन्होंने बारे भी जो ने वक् चर्चावान ने, तो उन्होंने नॉन परफॉर्मेंस बारे भी चर्चावान है। इस तरह कई होर मंत्रियों बारे भी कई चर्चा जीडिया ने चल रही हैं। इस हालत के जेकर भगवंत मान की सरकार के प्रशासनिक चुस्ती लाने मंत्रियों की फेरबदल ना किया गया तो यह इमेज जरा होर ज़्यादा जरा खराब होता होगा। शायद ये महसूस कर लिया गया हो जेकर हम मंत्रिमंडल का जरा वो लोगों में प्रभाव कायम करना तो उस वे जो ने सख्त कदम चुकने पैणगे, और चर्चावान के दो नाँ जो ने प्रमुख तौर के उत्ते सामने आ रहे हैं, जिन्हां दे विच एक कटारू चाकुरा का नाम और दूसरा नाँ जरा वो चौड़ा माजरा वाला। कटारू चाकुरा का मसला पहला भी जरा चलता सी और गवर्नर दियां चिट्ठियां के बावजूद भी उस नूं नहीं सी बदलिया गया। इवें जरा हूँ मसला जरा आ गया कटारू चाकुरा का, ये मसला जरा जमीन भी तबादले का ये बड़ा भी संगीन और गंभीर मसला है, और इस जेकर कोई कार्रवाई ना की गई तो ये अपने आप में ईमानदार कहने वाली सरकार जी है उसका सारा सारा चेहरा जो है वह बेनकाब हो जाता है। सो इस करके अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सारे कामों को छोड़ के ये भगवंत मान भी जो है वो दिल्ली पहुंचे ने हाईकमान नाल विचार करन लई, तो फिर कटारू चक उन्हों का या चेतन माजरा उन्हों का जिन्ना भी मतलब जो है वह प्रभाव हो गए उस बारे जरा सरकार सोचना पड़ेगा और रिप्लेसमेंट जी है वह करनी पड़ेगी।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं एक समझना चाहवागा, जिमें तुम कटारू चक के बारे एक्सप्लेन किया गा भी किस तरीके 100 एकड़ जमीन के मामले के नाम गूंजया गा लगातार, कांग्रेस की गल करिए फिर अकाली दल की गल करिए, सीनियर लीडर लगातार अस्तीफे की मांग कर रहे हैं भी मंत्री कटारू चक को अस्तीफा दे देना चाहिए। ये गल तो मानते भी उन्होंने पर प्रैशर है, पहला भी एक बड़ा गंभीर इल्जाम लगा सी, कथित तौर पर एक वीडियो की गल सामने आई सी, लेकिन दूसरे पासे जो चर्चावान ने जिस तरीके तुसी भी कहा भी चर्चा के एक दूसरा नाम है, जेकर सचमुच कैबिनेट के छुट्टी हो जा रही है, जे चर्चावान बिल्कुल सही साबित होंदिया ने, तो दूसरा नाम तुसी चेतन सिंह जौड़ा माजरा का लिया, आखिर उन्होंने नाम की चर्चा क्यों शुरू हुई है भी जेकर मंत्रियों के किसी की छुट्टी होंगी है तो कटारू चक तो अभी समझ सकते हैं भी दो बड़े गंभीर इल्जाम ने, लेकिन चेतन सिंह जौड़ा माजरा का नाम है, ये चर्चा च किवें आ गया जी? देखो ये पहला हेल्थ मिनिस्टर जो सन उदों भी उन्होंने कार्रवाई जी सी वो अपने आप ही जी उन्हें बड़ी बदनामी करवाई थी, जो वाइस चांसलर ने मजबूर करता बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ने कि तुम बैड के उत्ते डेट रोड दिखाओ की करना जिन्हें बिहेव किया, उस तो बाद अजे तक भी वाइस चांसलर की नियुक्ति बारे जो नीति परंतु चलते रहते हैं, अजे हालत के काफ़ी ज़्यादा सरकार की बदनामी हुई सी, हूँ भी उन्होंने जी है जो विभाग के काम करते भी उस विभाग के भी पूरी पकड़ जी नहीं दिखा रहे, सरकार हूँ सोचने वास्ते इस तरह लगता है कि मजबूर हो गई है कि जेकर कैबिनेट का और एम एल ए का सबका जरा कायम ना किया गया, अनुशासन कायम ना किया गया, तो सरकार का जरा उचेरा कुंजला होगा और वह आने वाले समय से बड़ा नुकसान होगा, इस करके इस दुस्ती वास्ते तब्दीली करनी जी जरूरी है, और चौड़ा माजरा उन्होंने भी इस गल है कि उन्होंने उत्ते शायद कोई दोष भी हो पर उन्होंने परफॉर्मेंस और उन्होंने पहलिया गलतियां जोड़िया ने वो इस गल तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस गल की इस करके जरूर हो सकती है कि इन्होंने थान कौन रहेगा, क्योंकि एम एल ए बहुत घट जो चंगी परफॉर्मेंस देने वाले जो है वो एम एल ए ने जिन्होंने मंत्री बनाया जा सकता, जिन्होंने बनाया जा सकता उन्होंने शायद बनाना नहीं चाहते, जिमें असं उस कमल विजय प्रताप की गल कर सकते हैं कि कमल विजय प्रताप प्रशासनिक तौर के उत्ते कंपीटेंट ऑफिसर भी रहा है, वो शायद चंगी परफॉर्मेंस देने वाला हो पर सुभा और स्पष्ट ज्ञानी का जरा आधार है ईमानदारी तो उसको है ही है, शायद वो योजा सूट ना करता हो, पर जेकर कौड़ा कुट पक के मान सरकार जो है केजरीवाल तो अजय नामा के नाल मंत्रिमंडल भी शामिल करंडल का भी जरा चेहरा जरा है वो सुधर सकता है और सरकार का भी जरा एक कुंडला अक्ष जो है वो ठीक हो सकता है, योजे मंत्री जेकर बनाए जाएंगे तो उन्होंने परफॉर्मेंस भी और उन्होंने वर्किंग भी जो कंट्रोवर्सी भी घट हो, जेकर फिर खाना पूर्ति करने उस तरह एम एल ए जरा एडजस्ट करने की गल की, फिर आने वाले समय के आम आदमी पार्टी की सरकार कित भी उदाहरण देने योग दूजिया सूबे नहीं रहेगी कि पंजाब सरकार ठीक काम कर रही, क्योंकि सरकार का मूल काम जरा वो चुस्त और दुरुस्त जी प्रशासन इतने स्थिति यह बन गई कि ना चुस्ती है तो ना दुरुस्ती, दुरुस्ती का जरा दावा भी करते ईमानदारी का वह भी खिंडर पुंडर गया, तो चुस्ती पहला भी जी है वो कोई नहीं, सो अजे हालत तब्दीलियां होने वो जायज़ हो जे भगवंत मान करवा लेंगे तब्दीलियाँ शायद कुछ जो सकारात्मक जी सोच पैदा होगी, नहीं तो उस नकारात्मक सोच जी है वो ये सरकार का बिल्कुल ही जरा है चेहरा कमोरा जरा है वो धुंधला कर देगी और जरा कि ठीक होगा भी नहीं होगा। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और लगातार आप जेकर गईए फेरबदल की गल चाहे वह प्रशासनिक पद्धर से आ आम आदमी पार्टी लगातार जो तो सत्ता दे विच आई है प्रशासनिक फेरबदल हो रहे हैं, तो जे कैबिनेट की गल करिए तकरीबन 1.5 साल के फौजा सिंह सरारी की गल करिए निजर साहब की गल करिए सिंगला साहब की गल करिए हूँ जेकर चर्चावान जो चर्चावान ने सूत्रों तो साढ़े तक खबर पहुँची ने वो सही साबित होंगे ने तो दो होर नौ इस लिस्ट के जुड़न जा रहे हैं जिन्हों की छांटी कैबिनेट के हो सकती है, तो चर्चावान तो यह भी शुरू हो चुकी ने कि चाहवान जेडे मंत्रीमंडल के जाण के चाहवान ने उन्होंने वालों जोड़ तोड़ भी शुरू कर दी है, ये चर्चावान सही किनिया कि सचमुच जो कल दिल्ली फेरी
सीएम साहब की सी उस संदर्भ दे विच सी ये कुछ आने वाले दिनों विच क्लीयर हो जाएगा तो क्लीयर वो नाम भी हो जाएंगे भावें चर्चा दे विच मंत्री कटारू चक अते जौड़ा माजरे का नाम चल रहा लेकिन असल दे विच जेकर छांटी हुंदी है तो किहड़े उदो मंत्री होणगे ये बड़ी जल्दी क्लीयर हो जाएगा। दूसरे पासे मंत्री हरजोत बैंस की गल कर लीए जी, सिक्ख्या मंत्री उन्हां नूं भी हाई कोर्ट दे वल्लों एक झटका दिंदे हुए नोटिस जारी कर दिता गया। आखिर हरजोत बैंस जी नूं हाई कोर्ट दे वल्लों ये नोटिस किस मामले दे विच जारी किया गया? देखो पहला जिहड़ा नोटिस जारी किया मानहानि दा किया है कि हाई कोर्ट ने फैसला किया कि निर्धारित समय के हीरा सिंह पत्थल इंजीनियरिंग कॉलेज है वो कर्मचारी और अध्यापकों को जो है वो तनखा दी जाए एक महीने के और वो तनखा जी है वो पंजाब सरकार कोर्ट के आदेशों के बावजूद नहीं दे सकी तो वो कंटेंट पटीशन जी है उन्होंने कर्मचारियों ने फिर पाई है कि हाई कोर्ट के हुक्मों की भी उल्लंघना जी की जा रही है जिस करके नोटिस जरा वो इशू हो सो ये अपने आप बदकिस्मती वाली गल है कि जेकर सिक्ख्या संस्थान जिन्हों का दावा बड़ा व्डा किया जाता कि अं सुधार कर रहे हैं जो उन्होंने अध्यापक कर्मचारियों को तनखावें भी देने हाई कोर्ट के भी चक्कर लाने पैन और चक्कर लाने तो बाद भी कुछ ना बने फिर उन्होंने कंटैक्ट करनी पड़े तो वो सिक्ख्या का महत्व भी समझ सकते हो सरकार भी की है तो वो सिक्ख्या का साडा भविख की है वो समझ आएगी ये बदकिस्मती वाली गल है और मैं लगता है कि कंटैक्ट उन्होंने अदायगी कर दी जाएगी भावें जो मुश्किल फाइनैंशियल जो साल हालत जी ठीक कर क्योंकि ये वो इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने कभी जरा प्राइवेट कॉलेज तो पहला सरकारी कॉलेज बनाए गए सरकारी कॉलेजों के बचों फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाने तक भी मदद किया कि किसी तरह सरकार इस बोझ तो मुक्त हो सके लेकिन ये सरकार के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी रहे हैं और ये कितिया गई कोई तब्दीलियां प्रभावशाली नहीं हो तो सुनने ये भी आ रहा है कि जो दो यूनिवर्सिटियां ने जिस गुरदासपुर शहीद भगत सिंह यूनिवर्सिटी के नाम थले और कॉलेज के नाम थले है तो फिरोजपुर इन्हों भी मर्ज करके एक यूनिवर्सिटी बनाने की गल जी है की जा रही है सो अजिंह चर्चावान जैक्निकल एजुकेशन से हो रही हैं लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा क्योंकि प्रशासनिक चुस्ती दुरुस्ती जी घाट है जिस करके हरजोत बैंस नोटिस मिले है नोटिस मिलने का एक जरूर प्रभाव ये तो बनेगा कि उन्होंने तनखावान मिल जाएगा लेकिन भविख के जरा ये सारा टैक्निकल एजुकेशन तो डिग्री एजुकेशन का हालत होगी ये बारे सोचने वाली काम करेगी जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सर पर आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के सितारे गर्दिश के चल रहे क्योंकि लगातार उन्होंने मंत्रियों के उपर जिस तरीके इल्जाम तराशियां चल रही ने आप भी गल कर रहे तो हूँ हाई कोर्ट के वलों नोट्स जारी कर देना सिक्ख्या मंत्री कितना कि सरकार दबा दे गई। दूसरे पास गल करा आम आदमी पार्टी के ही एम पी राघव चड्ढा जी क्योंकि दिल्ली सेवा बिल जदों राजसभा दे विच पास हुंदा है सो उस तो बाद एक प्रस्ताव दे विच प्रस्ताव नू लेके विवादां दे विच घेरे सीगे जो प्रस्ताव राघव चड्ढा वल्लों रख्या गया सीगा उसदे संबंध दे विच विशेष अधिकार कमेटी दे वल्लों नोटिस राघव चड्ढा नू भी जारी किया गया सी लेकिन इन नोटिस तो बाद राघव चड्ढा बीजेपी दे उपर वरदे हुए नज़र आए ने ते नाल ही नाल चैलेंज करदे नज़र आए ने कि जिहड़े दस्तखतां दी दुहाई बीजेपी दे रही है वह दस्तखत साबित करन आखिर मैं कीते कित्थे नेगे सो किवें देख रहे हो उस पूरे मामले नूं कि राघव चड्ढा दा चैलेंज बीजेपी दे लई खतरे की घंटी है बीजेपी इस चैलेंज नूं कबूल करेगी क्योंकि लगातार इल्जाम फर्जीवाड़े दे इल्जाम राघव चड्ढा दे उपर लग रहे हैं। देखो स्थिति जिहड़ी है ये बयानबाजी तक ही सीमित है राघव चड्ढा ने अपना जिहड़ा वो राज्यसभा दे विच वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के मौके के उत्ते या दूजे मौके के उत्ते बयान देते कई ना जो ने लाए जाते रहे हैं राघव चड्ढा ने इस साल राज्यसभा के अपने बयान कुछ लोग सभा के मैंबर के ना लाए वो भी मेरा समर्थन करते हैं और जरा इन्होंने लोग सभा के इस पक्ष का आधार बना के राघव चड्ढा के उत्ते एक केस जरा बनाने की कोशिश की है कि जिन्हों के नाल आए हैं उन्होंने डिप्टी जोड़े सन वो वोट से उन्होंने को दस्खत लाए गए सन
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਖਤ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦਸਤਖਤ ਲਏ ਸਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਦੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੇ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ BJP ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ BJP ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਛੱਡਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪੈਟਰੀ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਿਆ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਕੇਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਤਾ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾ ਤਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 370 ਰਿਟਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮਯੋਗ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਉਹਨੇ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ, ਨਾ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਖਬਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਰਾਘਵ ਚੱਢੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BJP ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹਾਊਸਿਸ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਉਲਟੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੁੰਦਾ BJP ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਜਿੱਠਣਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ, ਕਿ BJP ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕਬੂਲ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਧੰਨਵਾਦ।